नमस्कार, सिटी न्यूजचं रोकटोक बुलेटिन स्पेशल वॉचमध्ये मी अमोल खोडे आपण समस्त प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत करतोय. आज आपल्या स्पेशल वॉचमध्ये आपण नजर टाकतोय शहराच्या सांस्कृतिक वास्तूवर. अमरावती नगरीची सांस्कृतिक वास्तू म्हणजेच संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक नाट्यगृह, याला ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन या नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व कित्येक लोकप्रतिनिधींच्या प्रमुख उपस्थितीत हे नाट्यगृह लोकार्पित करण्यात आले. त्यासह या वास्तूच्या उपयोगाची आदर्श नियमावली सुद्धा तयार करण्यात आली. परंतु त्याच नियमावलीची पार ऐशी तैशीच अमरावती महानगरपालिका करीत आहे. इतकेच नव्हे तर खुद्द शासकीय अधिकारीच या नियमावलीला झुगारून या सांस्कृतिक वास्तूचा स्वतःच्या हितासाठी गैरवापर करीत आहेत, ते सुद्धा कुणालाही न जुमानता. अंबानगरीच्या वैभवात भर टाकणाऱ्या संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक नाट्यगृहाच्या आदर्श नियमावलीची मनपाचे अधिकारीच सुनियोजित पद्धतीने ऐशी तैशी करीत आहेत. या नाट्यगृहाच्या नियमावलीनुसार या नाट्यगृहात महाविद्यालयीन युवक महोत्सव, फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा, सौंदर्य स्पर्धा इत्यादींना परवानगी नाही. त्याचप्रमाणे लावणी नृत्याच्या कार्यक्रमांनाही रात्री 8 नंतर कार्यक्रम करण्याची परवानगी नाही, असे या वास्तूच्या नियम क्रमांक 2 मध्ये स्पष्ट नमूद आहे. कुठलाही नियम संबंधित वास्तूच्या हितासाठीच तयार झालेला असतो, त्या नियमांच्या अधीनस्थ राहूनच कुठलेही काम करायचे असते. परंतु या नियमांची अंमलबजावणी कुणीच करीत नसल्याने संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनाच्या नियमावलीची पार ऐशी तैशी झाली आहे. या वास्तूत फॅशन शो नेहमीच होतात, जे नियमावलीच्या स्पष्ट विरुद्ध आहे. लावणी नृत्याचा एकही कार्यक्रम सकाळ किंवा दुपारच्या सत्रात झाल्याचे साधे ऐकिवतही नाही. सगळे कार्यक्रम रात्रीच असतात आणि त्यात भर टाकण्यासाठी त्या कार्यक्रमाला मनपाचे अनेक अधिकारी स्वतः उपस्थित राहून त्या कार्यक्रमांचा आनंद लुटतात, म्हणजेच स्वतःच्या देखरेखीत जाहीररित्या नियमावलीचा भंग करतात. सगळे नियम जर धुडकावून लावायचे होते तर नियमावली तयारच करायला नको होती. नियमावली तयार करताना सगळ्या गोष्टींचा विचार झाला होता, त्यानंतरच या नियमावलीचा प्रत्येक नियम लागू करण्यात आला. त्याच नियमावलीला कचऱ्याचा डबा का दाखवला जातोय? ही वास्तू शहराच्या मालकीची आहे, प्रत्येक शहरवासियांचा त्या वास्तूत वाटा आहे. फक्त मनपाचे अधिकारी जर या वास्तूला स्वतःची प्रॉपर्टी समजून वापरत असतील तर ते कुठल्याही परिस्थितीत खपवून घेतल्या जाणार नाही. जिवंत उदाहरण द्यायचे झाल्यास मनपाचे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी उदयसिंह राठोड, त्यांनीच तर या नियमावलीची संकल्पना तयार केली आणि आता त्यांनीच ही नियमावली टराटरा फाडून कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिली. नियमावली नियम क्रमांक 32 नुसार लग्न कार्याकरिता या नाट्यगृहाचा वापर कुणीही करू शकत नाही. परंतु राठोड साहेबांनी त्यांच्या परिवारातील एक लग्न सोहळा याच नाट्यगृहात उरकून उरल्या सुरल्या नियमांची होडी करून टाकली. या नाट्यगृहाच्या व्यवस्थापकाला अधिक विचारणा केली तर त्याची बोलतीच बंद झाली. माजी राज्यमंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख यांना विचारले तर त्यांनी नियम मोडल्या जात असल्याचे मान्य केले. नाही, असं आहे की अमरावती शहराची जी दुरावस्था झालेली आहे तशीच दुरावस्था त्या सांस्कृतिक भवनाची झालेली आहे. सांस्कृतिक भवन हे अमरावती शहराचा एक मानबिंदू आहे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि नंतर आलेल्या विलासराव देशमुख साहेबांनी त्याला स्पेशल ग्रँड देऊन हा एवढा एक चांगला वास्तू तिथे उभी केली. पण त्या वास्तूची दुरावस्था आज इतकी वाईट आहे, खरं पाहता तो सांस्कृतिक मानबिंदू असल्यामुळे अनेक चांगले सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटकं, सामाजिक हिताच्या अनेक गोष्टी आणि अनेक समारंभ तिथे होतात. मोठ्या मोठ्या लोकांचे सत्कार समारंभ तिथे झालेले आहेत आणि एकंदर दृष्ट्या अमरावती शहराच्या सांस्कृतिक वर्षाचा तो मनबिंदू आहे. पण गेल्या 1.5-2 वर्षापासून अत्यंत वाईट परिस्थिती, म्हणजे बोलायला शब्द कमी पडतात अशी दुरावस्था त्या सांस्कृतिक भवनाची झालेली आहे. तिथे तिची व्यवस्था पूर्ण ढेपाळलेली आहे, तिची जी ऑडिओ सिस्टीम आहे ती बरोबर नाही, लोकांना ऐकू येत नाही. कुलिंग सिस्टीम जी चांगली होती ती कुलिंग सिस्टीम खराब झालेली आहे, गाद्या फाटक्या झालेल्या आहेत, खुर्च्या तुटलेल्या आहे, सगळीकडे लखतर लोंबवलेले आहे, सगळीकडे पूर्ण त्या सांस्कृतिक भवनामध्ये जाळे आहेत. आणि म्हणजे एकंदर दृष्ट्या त्या सांस्कृतिक ह्याच्याचा एकदम दुरावस्था या 1.5-2 वर्षापासून झालेली आहे आणि त्याच्यासाठी प्रमुख कारण
म्हणजे प्रशासनाचं आणि राजकीय नेत्यांचं त्याच्याकडे असलेलं दुर्लक्ष. खरं पाहता महानगरपालिकेला त्या सांस्कृतिक भवनापासून उत्पन्न होऊ शकलं असतं. खरं तर पूर्ण पैसे शासनाने दिलेले आहे, त्याच्यामध्ये कॉर्पोरेशनचा फार मोठा सहभाग नाही. एक चांगली वास्तूच्या अनुषंगाने आपल्या महानगरपालिकेला चांगलं इन्कम सोर्स एक राहिलं असतं. पण ते तर जाऊ द्या, एवढी वाईट परिस्थिती या स्थिती आहे आणि जे कार्यक्रम तिथे व्हायला नको म्हणजे असं आहे त्याची जी नियमावली आहे त्या नियमावलीमध्ये काय कार्यक्रम तिथे व्हायला पाहिजे, कोणत्या प्रकारचे कार्यक्रम व्हायला पाहिजे त्याच्याकडेही प्रशासनाने आणि राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष दिलेलं आहे. आणि माझ्यासारख्या असंख्य अमरावतीकरांना आणि त्यातल्या त्यात सांस्कृतिक या चळवळीशी निगडीत असलेल्या लोकांना अत्यंत वाईट वाटतं. बरं, कित्येक लोक वेळा याबाबतीत चर्चा झाली. आपले सन्माननीय नगरसेवक प्रदीप बाजळ, प्रमोद पांडे, मिलिंदभाऊ चिमुटे या लोकांनी त्याच्याबाबतीत अनेक वेळा प्रश्न विचारले, त्याच्याबद्दल कॉर्पोरेशनच्या आमसभेमध्ये चर्चा घडून आणली. पण प्रशासन ढिम्म बसलेलं आहे आणि काही वर्षा दिवसानंतर त्याला जसं त्या टाऊन हॉलची परिस्थिती निर्माण झाली तसे काही दिवसांनी त्याला समजा लॉक लागलं किंवा लोकांनी त्याच्याकडे पाठ फिरवली तर मला वाटते आश्चर्य होणार नाही. आणि ही अमरावतीकरांसाठी आणि प्रशासनासाठी आणि महानगरपालिकेतल्या राज्यकर्त्यांसाठी अत्यंत शर्मीची बाब आहे. अल्फाबेट चोरी गए, कार्पेट फट गया, गद्दिया फट गई, खुर्चिया टूट गई, उसका जो ऑडियो सिस्टम है वो खराब हो गया, कूलिंग सिस्टम खराब हो गया, नीचे के जो टाइल्स है वो उखड़ गए, बाथरूम संडास के तो हाल इतने खराब है कि कोई वापर भी नहीं सकता. और ये सारी चीजें महानगरपालिका का काम है, महानगरपालिका ने उस पर ध्यान देना चाहिए. और यदि महानगरपालिका का प्रशासन नहीं करते है तो जो वहां जो आज सत्ता पे बैठे लोग है उन्हें उनसे करवाना चाहिए. पर मुझे लगता नहीं किसी को उसका कोई लेना देना है. अपने इसमें खुश है, ठीक है, कुछ दिनों की बात है. उसके बाद लोग जब रास्ते पे आएंगे और सांस्कृतिक कार्य में जो लोग आगाड़ी पे रहते हैं वो जब उनके लिए सम रास्ते पे उतरेंगे तब उनको ये करना ही पड़ेगा. मनपाचे जानकार आणि अभ्यासू सदस्य मिलिंद चिमुटे यांनी त्याला दुजोरा दिला. इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूंगा. सांस्कृतिक भवन का जो निर्माण हुआ था उसके लिए सारा पैसा जो है वो शासन ने दिया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पैसे में से हमने ये बनाया था. और अपेक्षा ये थी कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका प्रॉपर मेंटेनेंस करे. उसके बाद में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई महानगर पालिका में, इसको प्राइवेट ठेकेदार को दिया गया था और ऐसी स्थितियों में जो रेट्स उसके लिए डिसाइड किए गए थे वो काफी ज्यादा थे. इसलिए जब मैं लीडर ऑफ द हाउस था मैंने प्रस्ताव रखा था कि भाई यहाँ पे लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, यहाँ के स्थानिक कलावंतों को उसमें, कलाकारों को उसमें अपना कला पेश करने की उसको ये मिलना चाहिए, संधि मिलना चाहिए, इसके लिए ये बनाया गया है. तो हमने वो रेट्स भी काफी रीजनेबल बनाए थे. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि इसके तरफ देखने का जो रवैया है प्रशासन का वो मूलतः बहुत गलत है. ये जो सांस्कृतिक भवन है ये कोई प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी नहीं होती है और हम लोग इसको हमेशा ये देखते हैं इसमें से उत्पन्न कितना है और खर्चा कितना है. ये उत्पन्न और खर्चे के साथ में जुड़ा हुआ इशू नहीं है. इसको मेंटेन करना ये अपने आप में हमारा मान बिंदु है, अमरावती के सांस्कृतिक पूरी गतिविधियों का मान बिंदु है. ऐसी स्थिति में महानगर पालिका के बजट में से विशेष प्रावधान करके उसके ऊपर खर्चा होना चाहिए, ये अपेक्षा है. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले बार जब हाउस में इसके ऊपर चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि आप ज्यादा का पैसा नहीं लगा रही अलग बात है, पर कम से कम उसमें से जो पैसा आ रहा वो तो पैसा उसके ऊपर लगाइए. आज इतनी दुर्दशा हो चुकी है सांस्कृतिक भवन की कि वहां जाकर के बैठे और कोई बड़े कलावंतों के साथ में, मैं काफी नाटक ये वो देखने जाता हूं, मुझे शौक है, तो मुझे ये बताने में बड़ा तकलीफ महसूस होती कि भाई मैं महानगर पालिका का मेयर रह चुका हूं, क्योंकि उसकी हालत देख के बड़ा दुख होता है हमको. इसमें सब अधिकारी और उसके जो संबंधित लोग हैं इनकी मिलीभगत है, ध्यान नहीं है, ऐसा कैसा कह सकते. मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने बजट के दिन उसके ऊपर चर्चा किया था तो मेरे ध्यान में ये आया, मैंने सदन के ध्यान में ये बात लाई कि जो भाड़ा उन्होंने एक तारीख को देना चाहिए दो दो तीन तीन महीने भाड़ा नहीं देते वो लोग और गैर इस्तेमाल कर रहे कॉरपोरेशन के बिल्डिंग्स का और उनके दुकानों का. तो इसमें तो मिलीभगत है ना, सब डिपार्टमेंट उसके साथ में जुड़े हुए, जब ही तो ये सारी चीजें आप बता रहे कि टॉयलेट के जगह पे किसी और को रख दिया और वो उसका गलत वापर या जिसके लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए वो छोड़ के कहीं इस्तेमाल कर रहा. तो ये ऐसा तो हो नहीं. हमारे पास इसका बाजार परवाना विभाग नाम का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है
और उस डिपार्टमेंट का केवल काम इतना ही है कि ये जो भी हमारे मार्केट्स है उसके उसके तहत जो भी हमने लीज से दिए हुए भाड़े से दिए हैं उसका इस्तेमाल उसके लिए हो रहा नहीं हो रहा, एग्रीमेंट खत्म हुआ रिन्यूअल करना है, तो ये सारा एक डिपार्टमेंट है, पूरा डिपार्टमेंट है। उसके बावजूद अगर ऐसा है तो इसका मतलब साफ है कि वो विभाग जो है वो उनके साथ में जुड़ा है, मिलीभगत है और बहुत गलत तरीके से वहाँ काम हो रहा है। इतकेच नव्हे तर दिगंबर डहाके यांनी तर एक लग्न येथे झाल्यावर आपण आक्रमक पवित्रा घेतला होता अशी माहिती दिली। पण बात ऐसी है कि सांस्कृतिक भवन चला ना ये कोई इनकम सोर्स के लिए नहीं था। जिस टाइम पे ये युति शासन ने दिया तो इसलिए दिया था कि यहाँ के जो सांस्कृतिक लोग है या कलाकार है उनको बढ़ावा मिले, लेकिन उसमें से इनकम मिलना ये हमारा शिवसेना का उसको तीव्र विरोध था। लेकिन मुझे पता है कि माननीय अपने पालक मंत्री सुनील भाऊ देशमुख उन्होंने भी बहुत बार जब उदय सिंह राठौड़ यहाँ आयुक्त थे उनको बहुत बार पत्र दिया कि ये सांस्कृतिक भवन की परिस्थिति ठीक नहीं है, साफ सफाई ठीक नहीं रही थी, ऐसे बहुत बार हुआ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मैं शिव जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ एक मराठी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और जब वो परिस्थिति मैंने वहां पर देखा कि संडा से लेके हर जो सुविधा है वो एकदम बेकार हुई थी, आगे के जो मेन चेयर है वहाँ गांव के कुत्ते यानी जो कुत्ते रहते वो जाके बैठे थे अंदर, यानी इतनी गलत परिस्थिति वाइट परिस्थिति थी। तो उसके तुरंत दूसरे दिन मैंने खुद एक ताला लिया, बड़ा दो ताले लिए और वहां जाके सांस्कृतिक भवन के अंदर के गेट को और बाहर के गेट को लगा दिए। नियम बने हैं कि अगर कोई मुंबई से अगर कोई यहाँ कार्यक्रम का आयोजन होता है तो उसके लिए अलग तरीके की फीस रखा हुआ है, और जो ये हमारा ही मुद्दा था उस टाइम पे, और अमरावती के जो कलाकार है वो अगर कोई वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम लेते हैं तो उनके लिए कम से कम बजट में 3,000-3,500 में वो कार्यक्रम कैसा हो, ये नियम हमने बनाए हैं महानगर पालिका में। वहां पे शादी नहीं होना चाहिए अंदर के इसमें, पर एक बार वो नियम टूटा था उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई सभागृह में, उसके बाद में रद्द करने का उनको बोला। सांस्कृतिक कार्यक्रम बोले तो जो महाराष्ट्र का जो संस्कृत जिस अपनी संस्कृति है उस संस्कृति के ऊपर ही जिस कार्यक्रम में से लोगों को कुछ मिलता है या वो उनके संस्कृति में उसमें कुछ बढ़ावा मिलता है या शैक्षणिक में कुछ उनके सुधार होता है या विद्यार्थी है, तो ये जो ये ढंग से जो कार्यक्रम रहते हैं जो इस महाराष्ट्र के संस्कृति को शोभा दे इसी तरीके के कार्यक्रम वहाँ ले जा सकते हैं। फैशन शो ये अपनी संस्कृति नहीं है, बिल्कुल शिवसेना इसके विरोध में है। मैं तो बोलता शिवसेना नहीं, हर हिंदुस्तान का नागरिक जो संस्कृति में पला है वो इस कार्यक्रम के विरोध में ही रह सकता, क्योंकि फैशन शो ही अपनी संस्कृति हो ही नहीं सकता। नगर सेवक प्रदीप बाजार सुद्धा अनेकदा या भवनाच्या देखभालीची तक्रार करीत आले आहेत। इस गंभीर बात पे चर्चा भी होती है लेकिन प्रशासन कोई सुनता नहीं। उसका कारण ऐसा है कि यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो है उनका प्रशासन पे दबाव नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ऐसा है कि वो जो पदाधिकारी है उनको लगन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये सांस्कृतिक भवन जब बना तो ऐसा लगा कि यहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे, इसकी सुविधा बहुत अच्छी रहेंगी, वहाँ का वातावरण सांस्कृतिक क्षेत्र से भरा हुआ रहेगा, आर्ट गैलरी वहाँ बनी हुई है। आज तक आर्ट गैलरी में कभी भी हमने लोगों को खाना खाते ही देखा, वहाँ कभी आर्ट देखा ही नहीं। ये शहर का दुर्दैव है, इसके लिए प्रशासन अगर यहाँ कारपोरेशन का प्रशासन चलाने में असमर्थ है तो शासन ने खुद किताबे में लेके, क्योंकि शासन की प्रॉपर्टी है, शासन का पैसा है, मनपा का एक भी पैसा नहीं। मनपा को ज्यादा उत्पन्न होने के बावजूद वहाँ पैसा लगाने में क्यों हिचकती है महानगर पालिका, ये मेरे समझ के बाहर है। और जहाँ उत्पन्न होने के बाद पैसा लगाना वो पैसा इधर खर्चा करना ये बहुत ही दुर्दैवी बात है कलाकारों के लिए और कला क्षेत्र के लिए, ये निंदनीय बात है। मैं निषेध करता हूँ कि अमरावती के यहाँ का कलाकारों का दुर्भाग्य, और बाहर के आने वाले भी लोग बोलते हैं इतना अच्छा सांस्कृतिक भवन आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी तो महानगर पालिका हम पहली बार देख रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े कलाकार यहाँ आके दुख व्यक्त करते हैं। असे असताना महापालिका राजरोसपणे या वास्तूचा गैरवापर करूच कसा शकते याचे नवल वाटते। काहीतरी काळाबेळा करूनच हे प्रताप होताय यात मात्र तीड मात्र शंका नाही।
नियमावलीची वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिल्यानंतर आता सगळे स्वतःचा बचाव करण्यासाठी तारेवरची कसरत करीत आहेत. हे प्रकार आता पुढे होणार नाहीची भाषा बोलताय. ज्या महानगरपालिकेच्या नियंत्रणात या वास्तूची ख्याती लोकप्रियता उपयोगिता वाढणे गरजेचे होते त्याच मनपाने या सांस्कृतिक वास्तूला भग्नावस्थेच्या दारात लोटले आहे आणि त्याला अमरावती महानगरपालिका सुस्त आणि स्वार्थ साधण्यात पटवित असलेले अधिकारी जबाबदार आहेत. याचा जाब विचारण्यासाठी जनतेला पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे. यापेक्षा एकाहून एक सरस बुलेटिन आपल्यापर्यंत असेच पोहोचत राहतील. आपण पाहत राहा सिटी न्यूज. सिटी न्यूज सजग समाजाचे दक्ष प्रहरी.